वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आपके फिर मिस्टर फैजू पहुंच चुके हैं झलक दिखला जाके सेट पे। सो गाइस आज फाइनली आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हर वीक परफॉर्मेंस शूटिंग होती है, तो फाइनली आज मिस्टर फैजू का परफॉर्मेंस है। फैजू सभी जजेस के सामने परफॉर्मेंस करेंगे। अब उसका स्कोर क्या आने वाला है वो तो हमें नेक्स्ट वीक पता लगेगा, यानी कि सैटरडे एंड संडे के एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन गाइस फैजू का परफॉर्मेंस क्या है उसका कुछ थोड़ा बहुत वीडियो आज का है, जहाँ पे फैजू एंड वैष्णवी कल रिहर्सल कर रहे थे। सो गाइस हम आपको बता दें शूटिंग से एक दिन पहले आउटफिट जो पहनेंगे मेन सूट पे उसे पहन के रिहर्सल किया जाता है मेन स्टेज पे, जहाँ पे फैजू वैष्णवी का वीडियो फैजू के मैनेजर ने शेयर किया जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ आज भी सेम मिस्टर फैजू ने वैसा ही किया कि फैजू स्पॉटेड ही नहीं हुए, फैजू किसी और रास्ते यानी कि अंदर ही अंदर सेट में पहुंच गए। अब क्या है इसके पीछे का रीजन कि मिस्टर फैजू स्पॉटेड नहीं होते, क्या है इसके पीछे का रीजन वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आप मिस्टर फैजू का थोड़ा बहुत वीडियो देखो जो कि फैजू के मैनेजर ने शेयर किया, जहाँ पे फैजू वैष्णवी डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे। आपने फैजू एंड वैष्णवी का छोटा सा वीडियो देख लिया जो कि फैजू के मैनेजर ने शेयर किया था, जिसमें हम मिस्टर फैजू एंड वैष्णवी के अगले हफ्ते के एपिसोड की थोड़ी सी झलक देख सकते हैं, जहाँ पे वो दोनों खड़े होकर डांस को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो एक दिन पहले प्रैक्टिस की जाती है, जो आउटफिट उन्हें पहनना होता है मेन डांस में उसी आउटफिट को पहन के, जो कि फोटो भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सो यही आउटफिट होने वाला है फैजू एंड वैष्णवी का नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिलेगा। जो इसके बाद कुछ फोटोज इन बूमरैंग भी आ चुके हैं फैजू एंड वैष्णवी के सेट से, जहाँ पे वो दोनों छुप छुप के पहुंचे, यानी कि सामने से स्पॉटेड होकर जैसे स्टार्टिंग 1-2 वीक या 3 वीक आए पटेट होते थे या इंटरव्यू देते थे या अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताते थे, वैसे अब नहीं कर रहे। यानी कि 102 वीक हो चुका है, फैजू जब भी झलक दिखला के सेट पे जाते हैं सामने से बिल्कुल नहीं जाते हैं, जब मीडिया रहती है पीछे से जाते हैं, सीधा सेट के अंदर ही एंट्री मारते हैं फैजू। सो अगर सब लोग जानना चाहते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि फैजू स्पॉटेड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फैजू का लुक देखने को मिल जाता था। फैजू अपना इंटरव्यू देते थे उसमें बताते थे क्या डांस होने वाला है, किस आउटफिट में होने वाला है, किस लुक में होने वाला है या किस सॉन्ग पे होने वाला है। सो फैजू पूरी जानकारी दे देते थे इंटरव्यू में, लेकिन गाइस फैजू स्पॉटेड नहीं हो रहे थे तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन गाइस अब उसके पीछे का रीजन पता लग चुका है। आप लोग सोच रहे हो कहां से रीजन पता लगा। सो गाइस एक्चुअली कल फैजू ने एक ब्लॉग शेयर करी जिस ब्लॉग में फैजू ने कहीं ना कहीं इसका रीजन बता दिया कि फैजू स्पॉटेड क्यों नहीं होते। सो गाइस फैजू का कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मिस्टर फैजू ने अपने पुलिस वाला जो आउटफिट है उसमें डांस किया था, उस वाले लुक का शेयर किया था जिसमें झलक इन खतरों का महासंगम होता, जब जन्नत भी पहुंची थी सेट पे, वहां पे मिस्टर फैजू ने उधर जब फैजू का परफॉर्मेंस खराब हो गया था, यानी कि फैजू वैष्णव के एक दो स्टेप छूट गए थे, तो फैजू जब बता रहे थे कि फैजू को बहुत बुरा लग रहा है, उसी ब्लॉग में फैजू ने बताया कि फैजू को बहुत बुरा लग रहा है कि फैजू को ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस हो गया, क्योंकि इसी में फैजू बोलते हुए दिखाई दे कि नजर लग जाती है, जरूर नजर लगी होगी, इसी वजह से फैजू का परफॉर्मेंस खराब हो गया। सो गाइस फैजू जब पहुंचे थे सेट पे तो फैजू बिल्कुल मीडिया के सामने पहुंचे थे, अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताया, तो फैजू बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन गाइस पता नहीं फैजू की खुशी को किसकी नजर लगी कि फैजू का परफॉर्मेंस खराब हो गया, 1-2 स्टेप छूट गए, फैजू को कम नंबर मिल गए और सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट भी हुए थे उस टाइम पे। सो उसी के अगले हफ्ते से फैजू स्पॉटेड नहीं हुए, यानी कि फैजू ने स्पॉटेड होना बंद कर दिया। जब भी फैजू झलक दिखला के सेट पे पहुंचते फैजू पीछे से पहुंचते, यानी कि सामने वाली एंट्री जहाँ पे मीडिया रहती है वहां से नहीं जाते। सो गाइस फैजू को कहीं ना कहीं फैन है, फैजू एंड जरूर दोनों इस चीज पे बिलीव करते। सो एक बार जब तावीज की शूटिंग कर रहे थे फैजू ने तो बोला था ये सीन डालेंगे नहीं क्योंकि नजर लग जाएगा, मजाक में फैन ने बोला था डालेंगे वो भी सीन देख लिया, जहाँ पे जन्नत फैजू दोनों ने बोला था नजर लग जाएगी, इतना प्यारा सीन लिया डालेंगे ही नहीं। सो ये तो फैन ने मजाक में बोला था, लेकिन फैजू ने कल वाली ब्लॉग में भी सेम बोला था कि पता नहीं किसकी नजर लगेगी, फैजू का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेकार हो गया। सो मुझे तो लगता है इसी रीजन की वजह से फैजू स्पॉटेड होना बंद कर दिया। लेकिन फैजू का परफॉर्मेंस सूट होने के बाद जब फैजू जाते हैं तब तो स्पॉटेड होना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है, फैजू आखिर क्यों स्पॉटेड नहीं होते, कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। कितना एक्साइटेड हो फैजू की नेक्स्ट वीक परफॉर्मेंस के लिए।